सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वीरेंद्र दरोगा जी, डॉक्टर रघुवीर कादान जी का भी स्वागत कर रहे हैं और विधायक कुलदीप वत्सी का भी स्वागत कर रहे हैं गदा के साथ। एक तलवार देकर बहन गीता भुक्कल को भी सम्मानित कर रहे हैं वीरेंद्र दरोगा जी। राव साहब का, राव नरेंद्र जी का भी स्वागत करें जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं। और राव साहब, आपसे आग्रह है कि इसके बाद आप सबका धन्यवाद, हम सब की तरफ से इसके बाद आप करेंगे धन्यवाद। राव नरेंद्र जी से हम आग्रह करते हैं कि भाई एक बार ये अपनी बात हो जाए, उसके बाद धन्यवाद उनका सुन के जाना। राम राम जी। मनवेरा है और मैं इस बात के लिए आपको सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि इतनी देर से, 8 बजे से घर से चले थे बता रहे हैं, कोई 10 बजे चला हो, कोई 9 बजे चला, लेकिन पूरा दिन और इतना लंबा ये कार्यक्रम चला, इतने विधायक यहां पे पहुंचे, सबने अपनी अपनी बात खुल के कही और लगभग सारे पॉइंट कह दिए। गीता जी ने तो सारे ही पॉइंट कह दिए, मैं समझता हूँ कोई पॉइंट तो भाई मैं खुद ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ, आप लोग इतनी देर से जैसे जमे हुए बैठे हो वो संकेत है, ये वक्त है बदलाव का, ये वक्त बदलाव का है। और ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये मैं समझता हूं कि इस बात का संकेत है। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, जैसा कि कहा कि आज एक संकल्प पत्र, हम एक संकल्प लेंगे सारे मिलकर, तो संकल्प और शपथ लेने के लिए, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए ये हम शपथ ले रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा सभी साथियों से, बहुत देर से बैठे हो, एक बार खड़े हो जाओ और अपना जैसे शपथ लेते हैं संविधान की, आप और हम मिलकर शपथ लेंगे। मैं एक एक लाइन बोलता जाऊंगा, आप उस लाइन के पीछे 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 आप बोलते रहना। एक बार खड़े हो जाओगे फिर बैठ जाओगे तो थोड़ा बॉडी में जो आलका सारा होगा ना, सारा भाग जाएगा। शुरू करें तैयारी। हम हरियाणावासी संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान की तन मन, अपने देश के संविधान की तन मन और वचन से रक्षा करेंगे, और वचन से रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा देश, क्योंकि हमारा देश शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है, है तो उस संविधान उसकी आत्मा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों से, और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदानों से यह संविधान बनाया है, यह संविधान बनाया है। जो राजनीतिक ताकतें इस संविधान को बदल, जो राजनीतिक ताकतें इस संविधान को बदलने या खत्म करने का ऐलान कर रही हैं, बदलने या खत्म करने का ऐलान कर रही हैं, उनका जवाब हम अपने वोट से देंगे, उनका जवाब हम अपने वोट से देंगे। हम इस बार अपना वोट, हम इस बार अपना वोट संविधान बचाने के लिए समर्पित करेंगे, संविधान बचाने के लिए समर्पित करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय राम जी की, जय राम जी की।
अब बैठो। और भाई जय आप सबकी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आप मेरे दो शब्द सुनना चाहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान जी, हमारी बहन, आज के कार्यक्रम की आयोजक जिनको मैं बधाई देता हूं, हमारी बहन गीता बुक्कल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक और उपनेता कांग्रेस विधायक दल के आफताब अहमद जी, हमारे कांग्रेस के एक और बहुत वरिष्ठ विधायक सोनीपत से पांचवी वार के विधायक आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी, विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, विधायक नीरज शर्मा जी फरीदाबाद से आज चल के हमारे बीच में आए हैं, विधायक इंदुराज नरवाल भालू जी, हमारे पूर्व मंत्री राव नरेंद्र जी, पूर्व मंत्री आदरणीय आन सिंह दांगी जी, पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, पूर्व विधायक हमारे बिजेंद्र सिंह कादियान जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी, पूर्व विधायक कर्नल रघुबीर छिल्लर जी, आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी, आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति और मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय नेतागण, किसी का नाम रह भी गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप सब ने आज आशीर्वाद दिया है और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, आप विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी सभी ने हाथ खड़े करवाए और एक एक ने आपने हाथ खड़ा किया और कहा कि इस चुनाव में आप साथ देंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा और दिल्ली में भी आपके आशीर्वाद को पहचान मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज कहा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने कि सारे देश की नजर रोहतक पे है, इस लोकसभा सीट पे है, आज पूरे प्रदेश की नजर इस लोकसभा सीट पे है, ये हॉट सीट हो गई है, प्रेस वाले लिखते हैं कि हॉट सीट है, हॉट यानी गर्म, और मैं तो कति सीधा मानस हूं भाई, मेरा तो गर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, तो ये गर्म क्यों हो गई, ये हॉट सीट क्यों मानी जा रही है, सबकी नजर क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि इसका नतीजा केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा, रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा, इसका नतीजा रोहतक लोकसभा सीट से जिस दिन आपके आशीर्वाद से जीत होगी उसी दिन चंडीगढ़ में अगली सरकार की नींव रखने का काम इसका नतीजा करेगा रोहतक लोकसभा सीट से, इसीलिए सबकी नजर है और सबके निशाने पे हम हैं, पिछली बार भी मैं सबके निशाने पे इसीलिए था, ये सीट पूरी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे इसलिए रही थी पिछली, और बाकी पार्टियों के भी निशाने पे पिछली बार भी हम इसीलिए रहे थे और इस बार भी, मेरी इससे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी से, मगर ये निशाने पे इस सीट को इसलिए ले रहे हैं, मुझे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ता हूं, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, इनके आगे सर नहीं झुकाता, जहां जरूरत होती है वहां लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से परिश्रम किया है तब किया है, और इसीलिए इनको पता है कि अगर रोक सको तो इसको रोकना जरूरी है, नहीं रुकेगा यहां से तो भाई जो है चंडीगढ़ के अंदर बदलाव लेके आएंगे, यहां से रोते ये सीट आई, ये इस बात को तो भाई ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए नहीं बताओ, पिछली बार थोड़ी सी वोटों से रह गए थे और चलो साजिश हुई, साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, जो लोकतंत्र को किस तरीके से, लोकतंत्र को का गला किस तरह से घोटा जाता है उसका नजारा तो खैर मैंने पिछली बार अपने लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में 2019 में ही देख लिया था, लेकिन देशवासियों ने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देशवासियों ने भी देख लिया होगा कि लोकतंत्र का कैसा है, लोग गला घोटते हैं, मगर कोई बात नहीं, मगर पिछली बार थोड़ी कसर जब रह गई
तो उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव आया 4 महीने के बाद, उसमें भी उतनी थोड़ी कसर रहेगी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं ना? तो पिछली बार लोग बदलाव चाहते थे, पिछली बार ही दुखी थे, बीजेपी की सरकार को दोबारा से हरियाणा में मौका देना नहीं चाहते थे। नहीं तो आपको याद होगा पिछली बार नारा दिया था खट्टर साहब ने, नारा क्या था, क्या था, कहा था 75 पार, बोला बीजेपी जाएगी 75 पार, जैसे अब 400 पार का दे रहे हैं, बोला बीजेपी जाएगी 75 पार। लोगों ने उस नारे की हवा निकाल दी, 14 में से 12 मंत्री वापस विधानसभा के द्वार में नहीं पहुंचे, लोग इतने दुखी थे। एक एक मंत्री जहां जहां विधानसभा सीट पे जो थे वहां पर 75 पार के नारे के बावजूद उस मंत्री को कहा कि भाई ये कितना काम हुआ होगा, आप अंदाजा लगाएं। रोहतक से मंत्री थे वो नहीं पहुंचे, बादली से इनके एक मंत्री थे, आज कुलदीप बस बैठे हैं, वो नहीं पहुंचे। इसराना से मंत्री थे, जहां से बलबीर वाल्मीकि जी जीत के आए वो बैठे हैं, वो वहां से, तो 14 में से 12 मंत्री हार गए, 75 पार की हवा निकल गई। लेकिन बीच में एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला की एक पार्टी बनी और उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। हरियाणा के हम लोग हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उसकी बात मान गए। कुछ लोग 10 सीट आ गई, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था इनको करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और 5 साल मचाई ऐसी लूट, जनता कर रही है हाहाकार। यही बात है कि नहीं? यह बात है, जनता को भूल गए, कहा कि 5100 की पेंशन का समझौता कर लिया हमने, गठबंधन हो गया। कैसा गठबंधन था ये? 5100 की पेंशन तो 5 साल तक आई नहीं, केवल प्रदेश को लूटने का काम किया, अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद करवाने का काम किया। डबल इंजन से बीजेपी और जेजेपी के डबल इंजन से महकमे बांटकर प्रदेश की भोली वाली जनता को लूट के देश में भ्रष्टाचार में हरियाणा को सबसे कलंकित कराने का काम किया। कोई एक महीना नहीं था कि कोई ना कोई बड़ा घोटाला सामने ना आए। शराब के महकमे से कौन लूट गया, माइनिंग के महकमे से कौन लूट गया, एक्साइज के महकमे से कौन लूट गया, गुड़गांव में बैठ के कौन लूट रहा है, रोहतक में बैठ के कौन लूट रहा है, खैर उसका तो हम क्या बताएं। वो तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने पेरावर में कह दिया था कि रोहतक में 300 करोड़ अमृत योजना के बीजेपी के कौन से पूर्व मंत्री खा गए। वो नाम दे दिया था कि नहीं दे दिया था उन्होंने? तो इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जब इन्हीं के सांसद बता रहे हैं कि 300 करोड़ खा गए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, और सबूत मिटा रहे हैं, और ये सरकार सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है, और मुख्यमंत्री कार्यालय तक उस घोटाले की तार जुड़े हुए हैं। और जब दादा गौतम ही खुद बता रहे हैं, इन्हीं के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्रियों का घोटाला बयान कर रहे हैं, तो जेजेपी के विधायक दादा राम कुमार गौतम बता रहे हैं सार्वजनिक तौर से कि खोपर बढ़ गया, सरकार में एकलाई जीमन लग रहा है। क्या जीम गए भाई? तो भ्रष्टाचार का समझौता, और प्रदेश की जनता को भूल गए, और हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया। एक कोई काम हरियाणा प्रदेश में हमारे इलाके में हुआ नहीं। सरकार के 2 काम होते हैं, काम करना और सबका मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूं झज्जर में कोई एक काम इन्होंने किया तो आप बताओ, कोई एक काम किया हो, कोई बड़ा बड़ी परियोजना आई हो, कोई रेल की लाइन आई हो इनके समय, कोई थर्मल का कारखाना लगा हो, कोई एम्स का अस्पताल बना हो, कई मेट्रो आई हो, कोई एक बड़ा काम इन्होंने किया हो? मैं पूछना चाहता हूं अपने झज्जरवासियों से, 10 साल में काम तो किया नहीं। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, इनने मान सम्मान किया आपका? खट्टर साहब ने मान सम्मान किया है? वो कह रहे हैं कि जी आए नहीं। बोला जी आए मान सम्मान तो क्या, आए नहीं। सही बात है, ये अपने पन की फर्क समझना। 10 साल में तो ठीक बात की, तो भाई 10 साल में मुख्यमंत्री बादली हलके में 1 बार आए, बेरी हलके में 1 बार आए, झज्जर हलके में बहन जी बताएंगी एक बार आए, तो पिछली बार आए थे, इन 5 साल में नहीं आए। कोसली में 1 बार गए 10 साल में, 1 दिन, दूसरा दिन नहीं देखा। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। हुड्डा साहब के भी हाथ में कमान थी, हुड्डा साहब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं समझता हूं कोई हफ्ता बाकी नहीं होगा जब हुड्डा साहब यहां नहीं होंगे, और आपका बेटा तो कोई दिन बाकी नहीं होगा जो आपके बीच में नहीं रहा होगा। ये 10 साल निकल गए,
और अब 10 साल के बाद उलाना देने भी कहां जाओगे, वो तो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो बीजेपी ने लोगों की नाराजगी देखते हुए अपने चेहरे बदल दिए, उनको लोकसभा भेजने की तैयारी हो रही है। उलाना भी किसको दोगे, वो क्या उलाना लेंगे, उनको क्या दर्द है। और अपनेपन की ये बात है, हम तो भाई मैंने जैसे कहा कि जब सरकार रही तब भी हर रोज आपके बीच में रहे, विपक्ष में रहे 10 साल तब भी मैं आपके बीच में रहा, और फिर भी अगर किसी को उलाना देना है तो एक दिन में 10 बार उलाना दे दो, मैं कभी बुरा नहीं मानता भाई। ये अपनेपन की बात है, अपनों को अपनों से ही उलाना दिया जाता है और अपना ही आदमी उलाना दूर करता है। लेकिन मेरे दिल में नक्शे में एक एक झज्जर के गांव का, किस गांव में क्या विकास की कमी है, एक एक अपने झज्जर का, इस पूरे इलाके का मेरे दिल में मेरे नक्शा आपको पता है कि है। कहां पर पानी की समस्या है, कहां पर सड़क की समस्या है, कौन सा हमने समय स्कूल बनवा दिया, कहां कॉलेज बनवा दिया, कहां बनवाना है, एक एक बात का कसर है। मगर जो 10 साल में आए नहीं, आप एक बात बताओ, 10 साल में आप तमिलनाडु कहीं होके आ जाओ, तिरुपति होके आ जाओ, अब वहां पे आप हो तो आओगे, लेकिन वहां का किस किस गांव में क्या समस्या है, दिक्कत है, आपको पता चलेगा, आप बहुत दर्द भी नहीं। तो ये अब ये स्थिति है, अब बदल दिए, लोगों में ज्यादा नाराजगी होगी इस सरकार से, हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया इन्होंने, लोगों में नाराजगी होगी तो चेहरे बदल दिए, मुख्यमंत्री जी भी बदल दिए, उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए और गठबंधन भी बदल दिया। और अब बात चल रही है कि जो उम्मीदवार उतारे हैं शायद उम्मीदवार भी बदलेंगे, तीन उम्मीदवारों पे तलवार लटक रही है, बताते हैं कि तीन उम्मीदवार कोई है, चार, बोला आज के अखबार में चार आ रहे हैं, तो बोला तीन उम्मीदवार बदलेंगे कि चार उम्मीदवार बदल, आप क्या उम्मीदवार बदलोगे, क्या उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे बदलोगे, अब तो लोग सरकार ही बदलेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, लोगों ने मन मना लिया, अब क्या बदलोगे आप, लोगों ने मन मना लिया, दोबारा से विकास की तरफ लोग चलना चाहते हैं। मगर मुझे दुख है, ना काम किया ना मान सम्मान किया, आज प्रदेश को 10 साल की सरकार के बाद देश में आज बेरोजगारी में नंबर एक हरियाणा बना दिया, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में, आज बेरोजगारी में नंबर एक, आज महंगाई में नंबर एक, आज अत्याचार में नंबर एक, अपराध में नंबर एक, दोबारा से गैंग खड़े हो गए, दोबारा से अंडर एज शूटर तैयार हो गए, जो हमारी सरकार से पहले फिरौतिया आया करती व्यापारियों को, फर्क इतना ही है, तब फिरौतिया आती थी जेलों से, अब फिरौतिया आ रही है विदेशों से, जेलों से भी आ रही है, हर विदेशों के नंबर से भी फिरौतिया आ रही है, कानून व्यवस्था की सारी स्थिति ठप हो गई आज देश में, मगर काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते जैसे कह रहे थे। इन्होंने तो जनता के अपमान में भी देश में नंबर एक बना दिया हरियाणा को, सरकार के अहंकार में और जनता के अपमान में भी देश में नंबर एक बना दिया, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इन्होंने किया ना हो। 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, लेकिन उन पे सहानुभूति के दो शब्द कहने की बजाय ये कह सकते थे कि भाई हमें आपकी बात नहीं मानते, आपकी मांग नहीं मानते, लेकिन हमें दुख है किसी का घर का कोई चला गया, लेकिन उनकी सहानुभूति के शब्द कहने की बजाय अपमान के तीर उस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में खड़े होकर मुझे अकेला पाकर मेरी तरफ इशारा करके किसान के लिए अपमान के ऐसे तीर चलाए। और क्योंकि मैं हरियाणा से एकमात्र सांसद था विपक्ष में, बाकी 15 में से 14 सांसद भाजपा के थे, तो जब मैं किसान की बात वहां उठाता था और जब खिल्ली उड़ाई जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था, तो वो तीर जो मैं अपनी छाती पे अपनी आत्मा में वो तीर जब ले रहा हूंगा तो मेरे पे क्या बन रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि यहां मैं देखता था किसान आंदोलन चल रहा है और वहां देखता था किस तरीके से देश की सारी भाजपा मेरे को अकेला पाकर किस तरीके से एक एक जो है शब्द बाण के माध्यम से अपमानित करने का काम वहां पे किया जा रहा है। आपने भी नजारे देखे होंगे, किसान का अपमान, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम पे उन पे लाठीचार्ज उनका अपमान, सरपंच गए अपने पंचायती अधिकारों के लिए उन पे लाठीचार्ज उनका अपमान, मनरेगा का मजदूर गरीब आदमी गया मनरेगा के मजदूर पे लाठीचार्ज मनरेगा का मजदूर का अपमान, जब ग्रामीण चौकीदार सफाई कर्मचारी गए उन पे लाठीचार्ज उनपे उनका अपमान, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स गई उनपे लाठीचार्ज उनका अपमान,
बच्चों छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल इतने बंद कर दिए 5000, उनको भी स्कूलों के आगे धरने पे बैठना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों को पहली बार देखा, लेकिन टस से मस नहीं हुई सरकार, एक स्कूल भी दोबारा से खोला नहीं। छोटे छोटे बच्चों का, हमारे देश के भविष्य का अपमान। हमारी जो बेटियां, जिन बेटियों को अपने न्याय के लिए जो दिल्ली जंतर मंतर पे बैठी, उनका क्या कसूर था उन बेटियों का? ये बाबा साहब की प्रतिमा के सामने मैं इस संविधान की परछाई में पूछना चाहता हूं, इस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, इन बेटियों को भी उतना ही बराबरी का अधिकार था जो आरोपी भाजपा के कोई सांसद थे, और हरियाणा में तो एक आरोपी भाजपा के मंत्री थे जिन्होंने उनके साथ उत्पीड़न का आरोप हुआ था। आज दिल्ली पुलिस ने लिख दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए FIR के, तब दिल्ली पुलिस ने लिख दिया अपनी रिपोर्ट में कि आरोपी हर मौके पर इनके साथ दुर्व्यवहार करता था, इन बेटियों के साथ। जब दिल्ली पुलिस ने आज ये लिख दिया तो महीनों तक FIR क्यों नहीं, उनके कहने से दर्ज नहीं की गई? क्या कसूर था उनका? अगर देश में बराबरी है, मैं बाबा साहब से के परछाई में पूछना चाहता हूं, तो इन बेटियों का क्या कसूर था? तो वो देश है जहां अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, और यहां पे इतना अहंकार कि उन बेटियों का अपमान दिल्ली की सड़कों में ना सिर्फ घसीटा गया, मगर सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने जब ये बात आई कि आरोपी संदीप सिंह को कैबिनेट से हटाया जाए, तो उन्होंने सदन में खड़े होकर कह दिया इतने घमंड में और इतने अहंकार में कि संदीप सिंह मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। आज मैं भी कहना चाहता हूं खट्टर साहब को और पूरी बीजेपी को, अहंकारी बीजेपी को कहना चाहता हूं, आपका अहंकार हम तोड़ेंगे इस अहंकार को। यह अहंकार जाएगा। अहंकार का स्थान लोकतंत्र में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद का, संवेदनशीलता का और लोगों के मान सम्मान से लोकतंत्र में सरकारें चलाई जानी चाहिए। अहंकार से लोकतंत्र में लोगों की जन भावनाओं को रौंदा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज ये लड़ाई है, आज ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की भी है और अपने इलाके को आगे लेके जाने की भी लड़ाई है। पहले भी अपने इलाके में झज्जर में जो हो सकता था किया 10 साल में, मैं पूछना चाहता हूँ अपने इलाके का, रोहतक का, झज्जर का, अपने इलाके का नक्शा बदला था कि नहीं बदला था, मैं पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के एक तरफ नोएडा गुड़गांव, दूसरी तरफ रोहतक लोकसभा क्षेत्र, सरकारें आई गई, लेकिन जब मुझे पहली बार यहां से सांसद बनने का अवसर मिला तो दिल में ऐसी टीस थी कि दिल्ली के नजदीक हम भी उतने ही हैं, लेकिन इस तरफ विकास की दिशा क्यों नहीं हुई? और उस सोच के साथ कहीं रिलायंस का SEZ आया तो कहीं एम्स आया, कहीं बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई तो कहीं रेल की लाइन बिछी, 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे उस समय हमारे इलाके के अंदर मंजूर हुए, हर दिशा के अंदर तो कहीं थर्मल के कारखाने आए, रोहतक के अंदर IMTI, IIM, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर आए, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान आए, तो 30 से ज्यादा बड़े उद्योग, पैनासोनिक, योकोहामा, मारुति, एशियन पेंट, जेके सीमेंट, NTPC, कोई 30 से ज्यादा बड़े उद्योग हमारे इलाके में आए, और एक नींव रखी गई, हम आगे बढ़ रहे थे, मगर अच्छे दिनों के चक्कर में एक बदलाव आ गया और उस जो आगे बढ़ने की प्रगति पे थे उस पर ब्रेक आ गया। अब दोबारा से विकास की का पहिया पूरे प्रदेश में भी और अपने इलाके में भी, दोबारा से विकास का पहिया घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? नहीं बताओ तो भाई, दोबारा से वो पहिया घूमना चाहिए, दोबारा से अपना हरियाणा प्रदेश देश में विकास में नंबर एक, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र का नक्शा देश के विकास के मानचित्र पे आए, दोबारा से विकास का पहिया घूमे। आने वाले समय में दिल्ली के चारों तरफ, जैसे अभी कहा गया, दिल्ली के चारों तरफ विकास हो, और भाई दिल्ली के चारों तरफ इस रूप से विकास हो कि दिल्ली के चारों तरफ झज्जर और रोहतक में नोएडा और गुड़गांव से कोई कसर ना रहे, बराबर जो है वो विकास हो, हमारी अगली पीढ़ी को एक अवसर मिले, ये हमारी सोच है। और इस सोच से जब हम इस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारी सोच आपस में प्यार की सोच है, आपस में भाईचारे की सोच है, मुझे गर्व है इस बात का। हमारी सरकार रही 10 साल, लेकिन 10 साल उस सरकार में भाजपा ने और बाकी विपक्ष ने तरह तरह के हम पे जो है, किसी भी विपक्ष का काम होता है, तरह तरह की हमारे लिए बात तो कही, लेकिन आपस के भाईचारे में कटुता पैदा करने वाला कभी उन 10 वर्ष के अंदर समय नहीं आया। तो आज हमारी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सोच में ये चुनाव ऐसा चुनाव है
जो आपको और हमको मिलकर लड़ना है, क्योंकि इनके पास बहुत साधन है, इनके पास साधन बहुत है, सारे साधन इनके पास है, सारा पैसा इनके पास है। आपने देखा क्या चल रहा है, खेल भ्रष्टाचार का पूरे देश में क्या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। नारा था इनका, काला धन आएगा, काला धन लाएंगे, सबके सबके बाटे 15 लाख आएंगे। नारा था कि नहीं था? काला धन तो नहीं आया, नारा बदल गया। जिन पे सीबीआई ईडी के मुकदमे, ऐसे खबर आ रही थी अखबार में, ऐसे 29 राजनीतिक आदमी, बड़े बड़े घोटाले, कहीं अजीत पवार महाराष्ट्र में, कभी नारायण राणे महाराष्ट्र में, कहीं मुकुल राय बंगाल में, तो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के अंदर, जिन पे बड़े बड़े काले धन की संपत्ति के मुकदमे हुए, वो सारे बीजेपी ज्वाइन हो गए। नारा बदल गया, नारा दूसरा हो गया, काला धन नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। और रातों रात जो है उनका धन जो है काले से ठीक कराएंगे, और भाई भ्रष्टाचार से मुक्त। नारा बदल गया, ऐसा भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार हमने देखा नहीं। आज मैं समझता हूं कि मौका है, हम सबको प्रदेश को आगे लेके जाने का मौका, और हमारा संकल्प है, जो गीता जी बता चुके हैं, मैं उस बात को एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, हमारा संकल्प हरियाणा के अंदर एक एक व्यक्ति के पास आपको संकल्प लेके जाना है। 1 नवंबर आज से 4-5 महीने के बाद अगर सही समय पे चुनाव होते हैं, मैंने तो न्यू दिखा है कि भाई उसके लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है कति झंडी है पाटले, मैंने न्यू भी दिखे है उसके जल्दी हो जाए इलेक्शन, मगर अगर सही समय पे इलेक्शन होता है तो 1 नवंबर को, इस अगली 1 नवंबर से पहले सरकार का गठन होगा हरियाणा में, नई सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही पहली कलम से देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली, हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का हम काम करेंगे, हमारा संकल्प। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को MSP गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। 2.5 लाख पद जो समाप्त हो गए, 2.5 लाख पद हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती, कच्ची भर्ती के नाम से, प्राइवेट के नाम से आज हर वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। तो 2.5 लाख पदों की पक्की भर्ती तुरंत 1 नवंबर जब सरकार आपकी बनेगी तो पक्की भर्ती के हिसाब से आगे चलने काम करेंगे। और भाई देखो मैं एक बात बताऊं, अधिकारियों को भी पता चल चुका है कि सरकार बदल रही है हरियाणा में, पूरे प्रदेश में बात जा चुकी है, हर अधिकारी को पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपका लोकसभा का नतीजा आएगा, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना मेट्रो, कि मेट्रो इस दिशा में बहादुरगढ़ की आगे जाएगी, इस दिशा में आएगी, तो भाई ये आप देखना, लोकसभा का नतीजे आते ही ये अधिकारी थोड़े थोड़े नक्शे तैयार करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपकी सरकार आएगी उस दिन आ जाएंगे, जी तारीख बताओ, मेट्रो का पत्थर का बरखवाओ। इनको भी पता है कि हमारा एजेंडा क्या है, इनको इनका भी एजेंडा पता है कि इनने तो काम करना नहीं, लेकिन लोगों में को आपस में उलझाकर और किसी का भला नहीं करना, इनको हमारा और आपका एजेंडा भी पता है, मगर इस एजेंडा की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अकेले लड़ाई ना मैं लड़ सकता, ना आप लड़ सकते, मिलजुल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी के पास हाथ जोड़ने मैं जाऊंगा, किसी के पास हाथ जोड़ने आपको जाना है। अभी एक एक गांव के प्रोग्राम होंगे, हर गांव में हम पहुंचेंगे प्रोग्राम करने, तो जब गांव में प्रोग्राम करने जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि समय आपको थोड़ा बचाना है, क्योंकि अपने को हर, मैं हर गांव में भी जाऊंगा, पिछली बार जैसे बहुत ज्यादा ट्रैक्टर का जुलूस और उसमें बहुत समय लगता था, तो आप जगह एक जगह निर्धारित करके थोड़ा समय बड़े प्लानिंग से और योजनाबद्ध तरीके से हर गांव में हाजी लगे, समय अनुसार एक दिन में कई कई गांव करेंगे, क्योंकि हरियाणा में बाकी जगह भी जो उम्मीदवार आएंगे वो भी जो है हरियाणा के अंदर वो भी सारे उम्मीदवार उम्मीद करते हैं कि हम वहाँ जाएं। राजस्थान में कई जगह उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं कि हम पहुंचे, तो सारी जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुत से उम्मीदवारों के जाकर हमें पूरी मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, अपना हल्का भी संभालना पड़ेगा। तो ये लड़ाई इस ऐसी लड़ाई है कि मिलजुल के जोश से और होश से, तो भाई एक मैं आज आपसे वोट की अपील के साथ साथ, केवल वोट की अपील नहीं कर रहा, मैं आपसे आज पूरे सपोर्ट की अपील कर रहा हूं आपकी। तो भाई ये इस लड़ाई में भाई ये 40 35 40 दिन का समय है, 35 40 दिन का आप समय
अपने इलाके के भविष्य के लिए, अपने देश और अपने प्रदेश के भविष्य के लिए ये आप 35-40 दिन दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके अब बताओ दोगे कि नहीं दोगे। वोट का तो मैंने धन्यवाद कर दिया आपका, एक बार खड़े रखना। आज मैं देख रहा हूँ कौन कौन देगा, तो फिर मैं सबकी मेरी नजर सब पे, मैं जानता सबको, आपने पता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं यहाँ सबको जानता हूँ, लेकिन लगभग मैं सबको जानता हूँ, किसी के नाम से, किसी के गांव से, किसी के शक्ल से। अच्छा सिलेंडर रह गया, चिंता मत ना कर, सिलेंडर तेरा रहने नहीं देंगे। 1 नवंबर से हमारी माताएं बहने 1 नवंबर से 500 रुपए का सिलेंडर आपको जो है आने वाले समय में 1 नवंबर से हरियाणा के अंदर, तो सिलेंडर ने भी नहीं रहने देंगे, और भाई सरपंचों ने भी नहीं रहने देंगे, और बहन जी कह रही है ओपीएस, तो भाई कर्मचारियों के ओपीएस को भी नहीं रहने देंगे, किसी वर्ग के जो हमने सारे संकल्प किए। और मैं बताऊं है ना, 100 गज के प्लॉट को रहने देंगे भाई, और 3.5 लाख की सहायता से 2 कमरे का जो मकान बनाना है, सारे एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बीसीए वर्ग के हमारे परिवार है, बीपीएल के हमारे परिवार है, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से, सरकार की सहायता से मकान की किस्त दिलवाने का काम करेंगे। और भाई देखो कुल मिला के बात यह है, मैं एक बात बताऊं, 100 बात की एक बात, रहने तो किसी को नहीं देंगे, किसी भी वर्ग को, हर वर्ग के लिए भला करेंगे। बाकी भाई देखो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई सा अगर कोई छूट भी गया ना, तो आपका आपका इतना जोर है मुझ पे कि आप कलम छीन के भी करा दोगे, तो आपको पता है मेरा तो कलम लेके आप करा सकते हो, तो वो आपका जोर है। और झज्जर में हमने बहुत सा काम किया झज्जर के लिए, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई विपक्ष में रहकर आपको भी बहुत चीज समझ में आई, और विपक्ष में रहकर हमें भी बहुत चीज समझ में आई। देखो अपने इलाके के लिए बहुत किया था दिन रात, मगर विपक्ष में रह के बहुत चीज आदमी समझता है। 10 साल संघर्ष कोई छोटी बात नहीं है, ऐसी ताकत से 10 साल टकराए बड़े बड़े लोग, मैं समझता हूँ कि इस ताकत से, मगर हमने और आपने मिलकर टक्कर ली, बहुत कुछ सीखे हैं। इस बार जब सरकार रहेगी तो झज्जर के विकास के लिए और झज्जर को आगे लेके जाने के लिए भाई मैं कहना चाहता हूँ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, ये जो है ना बिल्कुल जो है एक बात, तो ये एक मौका है, इसमें आप सब लगो। आज से ही इलेक्शन, आज से हम इलेक्शन का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के इस पावन अवसर पे जय भीम के उद्घोष के साथ, जय हिंद और जय राम जी के उद्घोष के साथ आज से ही हम इलेक्शन का बिगुल फूंकते हैं। और वो नारा जिस नारे को मैंने संसद में आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की मौजूदगी में सदन में लिया था, जय जवान जय किसान जय नौजवान जय पहलवान और जय संविधान, उस नारे के साथ आज से उतर पड़ो चुनाव में, और ये इलेक्शन आपका है, आपका बहुत